देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। असम दौरे पर पीएम मोदी, कोकराझार में किया जनसभा को संबोधित। बोले, कांग्रेस ने अपने शासन में असम को बम, बंदूक और ब्लॉकेट में झोंक दिया। उधर असम में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत 39 सीटों पर मतदान जारी है। कोविड 19 वैक्सीनेशन का तीसरा चरण आज से शुरू। 45 साल से ऊपर के लोगों को लगाई जा रही कोरोना की वैक्सीन। करीब 40 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य। वैक्सीनेशन के बावजूद देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 6 महीने बाद रिकॉर्ड तोड़ 72,000 नए केस दर्ज। तो 4 घंटे में इस साल सबसे ज्यादा 459 लोगों की मौत। बता दें कि एक दिन में नए संक्रमितों का आंकड़ा 72,330 दर्ज किया गया। बंगाल और असम में दूसरे चरण का मतदान जारी। नंदीग्राम सीट पर ममता वर्सेज शुभेंदु पर सबकी निगाह है। मेदिनीपुर में टीएमसी ने लगाया गड़बड़ी का आरोप। वोटिंग के बीच नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला। शुभेंदु बोले, पश्चिम बंगाल में जंगल राज। हालांकि पथराव के दौरान शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उनके काफिले में मौजूद कुछ अन्य गाड़ियों को नुकसान हुआ है। बंगाल के केशपुर में टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या। मामले में अब तक 8 लोगों को किया गया गिरफ्तार। कई इलाकों में तनाव की स्थिति। तो नंदीग्राम में बीजेपी कार्यकर्ता ने की खुदकुशी। बीजेपी बोली, धमका रही थी टीएमसी। ममता की चिट्ठी पर कांग्रेस का पलटवार। अधीर रंजन बोले, दीदी मांगे सोनिया गांधी से मिलकर माफी। बता दें कि ममता बनर्जी ने बुधवार को कांग्रेस समेत सभी नॉन बीजेपी नेताओं को चिट्ठी लिखकर बीजेपी के हमलों के खिलाफ एकजुट होने की अपील की थी। 3 दिनों तक एनसीबी की कस्टडी में रहेंगे एक्टर एजाज खान। ड्रग्स मामले में हुई थी गिरफ्तारी। कोर्ट ने एनसीबी की मांग को मानते हुए एजाज की 3 दिन की कस्टडी जांच एजेंसी को दे दी है। ऐसे में कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद लगाई जा रही है। बीजेपी के चुनाव प्रचार के लिए केरल तमिलनाडु दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। अल सुबह राम सेतु के किए दर्शन, तो कल तमिलनाडु में रामेश्वरम गए थे योगी। असम दौरे पर सीएम अशोक गहलोत, कामाख्या माता के किए दर्शन। प्रवासी राजस्थानियों ने किया सम्मानित। गोविंद सिंह डोटासरा, बीडी कल्ला, पुखराज पाराशर भी रहे साथ। सीएम गहलोत का केंद्र सरकार पर आरोप। गैर बीजेपी शासित राज्यों से सौतेले व्यवहार का आरोप। कहा, गैर बीजेपी शासित राज्यों को किया जा रहा कमजोर। आज से नए वित्त वर्ष का आगाज। आमजन पर पड़ेगी महंगाई की चौतरफा मार। हर तरह के वाहन, टीवी, एसी, मोबाइल समेत कई सामान हो जाएंगे महंगे। डोमेस्टिक फ्लाइट का किराया भी बढ़ेगा कम से कम 5%। केंद्र सरकार ने 24 घंटे के अंदर वापस लिया ब्याज दर घटाने का फैसला। पीपीएफ समेत छोटी बचत योजनाओं पर जारी रहेगी पुरानी ब्याज दरें। वित्त मंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का आगाज। आज से रजिस्ट्रेशन होगा शुरू। हर पात्र परिवार को हर साल मिलेगा 5 लाख तक फ्री इलाज। वाहनों के पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर को रिटेन करना हुआ सस्ता। सरकार ने रिटेन शुल्क घटाने का लिया फैसला। सीएम गहलोत ने किया संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने दिया देशव्यापी लॉकडाउन का आदेश। कोरोना की तीसरी लहर ने सरकार को देशव्यापी लॉकडाउन लगाने को किया मजबूर। 3 सप्ताह तक बंद रहेंगे स्कूल। मनसुख हिरेन केस में एनआईए को 8वीं गाड़ी के मिले सुराग। ऑडी में साथ में दिखे थे बाजे और विनायक शिंदे। एनआईए एक बार फिर खंगाल रही तमाम टोल नाकों की सीसीटीवी फुटेज। इससे पहले एटीएस द्वारा एनआईए को सौंपी जांच रिपोर्ट में भी बाजे की तरफ से एक ऑडी कार के इस्तेमाल की बात बताई गई थी। दिल्ली में मेरठ अब 45 मिनट में। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर आज से रफ्तार भरे सफर की शुरुआत। आज से इस एक्सप्रेसवे को जनता के लिए खोल दिया जाएगा। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू। रजिस्ट्रेशन के लिए प्रशासन की ओर से गाइडलाइन जारी। 56 दिनों तक चलती है ये यात्रा। अनुपम खेर की पत्नी और बीजेपी सांसद किरण खेर ब्लड कैंसर से पीड़ित। पिछले 4 महीने से मुंबई के कोकिला बेन अस्पताल में चल रहा इलाज। अनुपम बोले, वो फाइटर है। सुपरस्टार रजनीकांत को मिलेगी फिल्म में दुनिया का सबसे बड़ा दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो अवार्ड के चुनावी कनेक्शन के सवाल पर बोले जावड़ेकर, पुरस्कार को चुनाव से जोड़ने का मतलब नहीं। थलाइवा को 3 मई को किया जाएगा सम्मानित। संभागीय आयुक्त डॉक्टर समीर शर्मा के अजीतगढ़ के बाबा नारायण दास अस्पताल का फिर निरीक्षण किया। इस दौरान वे व्यवस्थाओं को देखकर गदगद हो गए। उन्होंने अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर ओपी वर्मा और स्टाफ की पीठ थपथपाई।
एक महीने पहले ही जिस अस्पताल को खामियों की वजह से नोटिस दिया था, अब उसी अस्पताल के 11 कर्मचारियों सहित भामाशाहों को सम्मानित किया गया। इसके बाद संभागीय आयुक्त ने श्री माधोपुर में विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत के साथ जनसुनवाई में भाग लिया। अलवर जिले में बैरोड नारनोल मार्ग पर जखराना गांव के पास बस स्टैंड पर स्कॉर्पियो सवार लोगों ने एक बाइक को दो बार टक्कर मारी, जिससे शहीद हरिपाल राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल की यूडीसी की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि आरोपी टक्कर मारने के बाद हरियाणा की ओर भाग गया। वहीं अब पुलिस आरोपियों की तलाश में आसपास के सीसीटीवी खंगाल रही है। कोविड वैक्सीनेशन के तीसरे चरण के तहत जोधपुर जिले में 135 केंद्रों पर वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हुआ, लेकिन जोधपुर के रेजिडेंसी डिस्पेंसरी में सॉफ्टवेयर संबंधी समस्या के बाद भी सामने आई। हालांकि जोधपुर के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बलवंत मंडा इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह पल पल की अपडेट ले रहे हैं। संभागीय आयुक्त डॉक्टर राजेश शर्मा पूरे संभाग पर नजर रखे हुए हैं। कोटा में कोर्ट परिसर में वकीलों ने सुरक्षा गार्ड की पिटाई कर दी। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये सुरक्षा गार्ड एमबीएस अस्पताल का है। दरअसल सुरक्षा गार्ड को ठेकेदार ने वेतन नहीं दिया, जिसके खिलाफ गार्ड का कोर्ट में केस चल रहा है। उप मुख्य सचेतक और प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी दो दिवसीय दौरे पर जोधपुर में हैं। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की, अधिकारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा भी की। उन्होंने कहा कि पिछले सवा दो साल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई है, इससे पूरे प्रदेश में उत्साह का माहौल है और तीनों उपचुनाव में कांग्रेस विजय हुई। अजमेर जिला कलेक्ट्रेट पर एक महिला अपने तीन बच्चों को लेकर पहुंची और आत्मदाह की इजाजत मांगी। महिला ने बताया कि उसकी 2007 में शादी हुई थी, तभी से ससुराल वाले उसे दहेज के लिए परेशान कर जबरन घर खाली कराने की कोशिश कर रहे हैं। महिला ने बताया कि वो खुद ही अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, उसकी गैर हाजिरी में ससुराल वाले बच्चों को परेशान करते हैं। इससे पहले पुलिस में कई बार शिकायत की, लेकिन हर बार राजीनामा हो जाता है और फिर उसे परेशान किया जाता है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने गृह नगर कोटा के प्रवास के दौरान कोटा दक्षिण नगर निगम के कांग्रेस पार्षदों के साथ निगम चुनाव में कांग्रेस की टिकट से प्रत्याशी रहे नेताओं से मुलाकात की और वार्डो में विकास के मुद्दों को लेकर उम्मीदवारों से राय मांगी। इस मौके पर कांग्रेस के पार्षदों और पार्षद प्रत्याशियों ने अपने वार्डों में बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से वांछित कार्यों की लिस्ट सौंपी। यूडीएच मंत्री ने इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमारा मकसद ये है कि हर हाल में कोटा शहर की तरक्की हो। जोधपुर में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का काम तेजी से चल रहा है। जोधपुर के बी जोन की बात करें तो वहां पर प्रथम फेज के अंदर 1,00,000 मीटर लगाना प्रस्तावित है, जिसके तहत अब तक 4,000 के करीब मीटर डिस्कॉम जोधपुर द्वारा लगा दिए गए हैं, जिससे बिजली चोरी पर अंकुश लगने के साथ ही पारदर्शिता भी बनी रहेगी। इन स्मार्ट मीटर में लगी माइक्रोचिप से कंज्यूमर के बिजली मीटर की सारी रीडिंग मीटर रीडर हर महीने कंप्यूटर सर्वर से ले लेगा। इस सर्वर में सारा डाटा रहेगा। जोधपुर डिस्कॉम प्रबंध निदेशक अविनाश सिंघवी के निर्देशन में लगातार टीमें स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य कर रही है। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान की कड़ी में अजमेर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जिले की श्रीनगर थाना पुलिस ने भीड़ चौराहे पर स्पेशल टीम की सूचना के आधार पर एक संदिग्ध कार को रोककर तलाशी ली तो उसमें से 4,500 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने अवैध गांजा सहित कार को जब्त कर आरोपी उगमाराम जाट को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया है। आरोपी अजमेर जिले के दादिया गांव का रहने वाला है और बरामद अवैध गांजे को लेकर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। कोटा नगर में शामिल हुए कई गांव वन भूमि पर बसे होने का खामियाजा भुगत रहे हैं। इन्हें मूलभूत सुविधाएं भी मुहैया नहीं हो सकी। हालात ये है कि जैसे ही गर्मी अपने तीखे तेवर दिखाना शुरू करती है तो डार्क जोन में होने के कारण ये गाँव चंबल किनारे बसे होने के बाद भी पेयजल को तरस जाते हैं। वार्ड संख्या 29 की रहने वाली लक्ष्मीबाई ने बताया कि भूजल स्तर नीचे गिरने के साथ ही इलाके में लगे सभी बोरिंग जवाब दे गए और अब उन्हें 1.5 किलोमीटर दूर से पानी भरकर लाना पड़ रहा है। डूंगरपुर के सतीरामपुर गांव में मोबाइल चार्ज करते समय मोबाइल फटने और करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है। जोधपुर के बाप में पैंथर के होने की खबर से इलाके में खौफ बना हुआ है। कुछ लोगों के पैंथर देखने का दावा करने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, आसपास के इलाके की जांच में जुट गई।
झालावाड़ में कोरोना को लेकर पुलिस अधिकारियों ने जागरूकता रैली निकाली और इस दौरान उन्होंने लोगों से सरकारी गाइडलाइंस की पालना करने की अपील की, साथ ही मास्क वितरण कार्यक्रम भी किया। श्रीगंगानगर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एसडीएम ने अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान बिना मास्क के बाजार में घूमने वाले लोगों का चालान काटने के आदेश दिए। नागौर की रियाबड़ी में ग्रामीणों ने एसडीएम को शिकायत पत्र भेजा। उनकी शिकायत है कि उन्हें अभी तक जन आधार कार्ड नहीं मिला है। इस दौरान एसडीएम ने एक्शन लेते हुए समस्या समाधान करने के निर्देश दिए। प्रतापगढ़ के चीकट गांव के पास एक वैन 30 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई, जिससे वैन में आग लग गई और वैन में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। दौसा के महुआ के टीकरी गांव में एक मूक बधिर पुजारी की करोड़ों की जमीन धोखे से हड़पने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही, जिससे पुजारी सदमे में चल रहा है। अजमेर के अलवर गेट थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 6 जुआरियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही आरोपियों के पास से 12,000 से ज्यादा की नकदी भी बरामद की है। अलवर के भिवाड़ी में एक निजी कंपनी के कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर कंपनी के गेट पर धरना दिया। श्रमिकों का आक्रोश देखकर भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। झुंझुनू के सुल्ताना सहित कई इलाकों में चंदा गिरोह सक्रिय है। सुल्ताना की गौशाला के नाम पर एक युवक चंदा इकट्ठा कर रहा था। ग्रामीण इसकी सूचना पुलिस को देते इससे पहले ही युवक फरार हो गया। झुंझुनू के पिलानी दौरे पर आए मुंबई प्रवासी युवा उद्यमी डॉक्टर मधुसूदन मालानी ने जिला कलेक्टर यूडी खान और महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक विप्लव नियोला से मुलाकात की और इलाके की महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वस्थ बनाने को लेकर चर्चा की। कोटा के ग्रामीण इलाकों में गर्मी बढ़ाने से जल संकट भी गहरा गया है। जिले के सांगोद के धुलेट में पानी को लेकर महिलाओं में झगड़ा हो गया। कोटा के बालाकुंड इलाके में शराब की दुकान बंद करवाने को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि इस इलाके में शराब की दुकान नहीं खुलनी चाहिए। जयपुर के हरमाड़ा इलाके के राजावास में सड़क के किनारे एक निजी स्कूल के बाहर लगे बिजली के ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद विभाग ने बिजली सप्लाई तो बंद कर दी, लेकिन कोई भी अधिकारी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। नागौर के मोंडवा में लोगों को कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक करने के लिए एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली में शामिल स्टूडेंट्स ने कोरोना वैक्सीन के प्रति लोगों को जागरूक किया। धौलपुर के नेशनल हाईवे 11B पर नीलगाय एक बाइक से टकरा गई, जिससे बाइक पर सवार पिता और दो पुत्र घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तीनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया। झुंझुनू के अग्रसेन भवन में अग्रवाल समाज समिति के चुनाव संपन्न हुए। सभी निर्वाचन निर्विरोध संपन्न हुए। अध्यक्ष पद संपत्ति मंत्री पद पर कमल अग्रवाल का निर्वाचन किया गया। बूंदी में मंत्रालय कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया और हड़ताल पर गए पटवारियों का काम मंत्रालय कर्मचारियों को सौंपने के मामले में नाराजगी जताई। जैसलमेर शत प्रतिशत लक्ष्यार्जन करने वाला राजस्थान का सबसे पहला जिला है। राज्य बीमा विभाग ने एक ही प्लॉट से 15,96,00,000 रुपए अर्जित किए हैं। नागौर के डेगाना के वार्ड 19 से पार्षद बनने पर रफीक खान का मोहल्ले वासियों ने साफा पहनाकर सम्मान किया। इस पर युवाओं में खुशी का माहौल है। डूंगरपुर के आसिला गांव में धुलंडी के दिन लट के हमले में घायल युवक की 3 दिन बाद मौत हो गई। घायल ने डूंगरपुर शहर के एक निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। श्रीगंगानगर में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और सीटू कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया और कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने की मांग की। अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह में कमेटी के कर्मचारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। इसके तहत कर्मचारी ने दरगाह थाने में खादिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र के घूगरा गांव में घर के बाहर पेड़ से युवक का शव लटका हुआ मिलने पर सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाया और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। नागौर जोधपुर नेशनल हाईवे 62 पर टैंकर और ट्रक में भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रक सवार की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। डूंगरपुर के रामसागड़ा थाना क्षेत्र के धमलात फला गांव में गेहूं की फसल निकालते समय एक युवक का थ्रेसर में सिर आ गया, जिससे युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाया। झुंझुनू में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत सराहनीय सेवाएं देने वाले 3 संस्थान और 3 निजी चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। बता दें, अभियान के अंतर्गत हर महीने की 9 तारीख को चिकित्सक निःशुल्क सेवाएं प्रदान करते हैं।
अलवर के किशनगढ़ बास बालिका छात्रावास के पास पड़े कचरे के ढेर में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्थानीय लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पिड़ावा के हिम्मतगढ़ की चमली पेयजल योजना के जल संशोधन संयंत्र का जिला प्रमुख प्रेमबाई दागी ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान यहां भारी अनियमितताएं देखने को मिली। यहां कई दिनों से फिल्टर सिस्टम बंद है, जिससे लोगों को दूषित पानी पीना पड़ रहा है। नागौर की कुचामन सिटी में ठेका सफाई कर्मचारियों ने अपनी कई मांगों को लेकर नागौर नगर पालिका पर प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों ने पालिका उपाध्यक्ष को प्रार्थना पत्र देकर मांगों का निराकरण करने की मांग की। झुंझुनू के मंडावा नगर पालिका चेयरमैन ने सीएचसी का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान अस्पताल में काफी कमियां देखने को मिली। टोंक के देवली में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लूट और चोरी के मामले में दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है, साथ ही एक आरोपी के पास से एक बाइक भी बरामद की है। बारा के आखाखेड़ी गांव में 5 दिन पहले हुई शिक्षक की हत्या के मामले में मीणा समाज ने उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। झालावाड़ में बिजली विभाग के स्मार्ट मीटर लगाए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जयपुर डिस्कॉम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान सांसद दुष्यंत सिंह ने वीसी के माध्यम से अधीक्षण अभियंता से बातचीत कर जिले में स्मार्ट मीटर लगाए जाने का विरोध किया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ के राजकीय अम्बेडकर छात्रावास में दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल और व्हील चेयर सहित अनेक उपकरण वितरित किए गए। दिव्यांगजनों को अनेक उपकरण सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती की अध्यक्षता में वितरित किए गए।